लोकर भाई मिले हैं यहाँ पे, भाई का फोन भी दिखा रहे हैं भाई की, मजा आ रहा भाई बड़ा। भाई ये देखो एक नंबर लाइव कर रहे हो वैसे आप, भाई साथ में पकड़ पकड़ के लाइव कर रहे हैं भाई। आओ आओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अभिषेक भाई के फैन मिल गए यहाँ पे लिटरली। अभी मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं नीचे बैठा हुआ था तो ना एक बंदा आया साथ में खड़ा हुआ मेरे, दो मिनट पिक्चर क्लिक कर रहा मेरे साथ ऐसे, भाई कुछ बोला भी नहीं। मैं पहले फोटो में देख रहा, मैंने कहा मेरी क्यों कर रहा है। गाइस मैं भी आ गया गंगा मैया में डुबकी लगाने, बट विक्की मेरे को फोर्स कर रहा है कि इस पुल से छलांग लगा, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी विक्की की है। किलो इतना सा रूम है ये 7000 रुपए का लिया है हमने यहाँ पे हरिद्वार। ये 7000 क्या है, बोले के लिए सब कुछ है। अरे रवि भाई आए हैं क्या। तो गाइस अभी 1:30 हो रहे हैं और हम तैयार व्यार होके हमने चेकआउट कर दिया रूम काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि हमारा एक और प्लान था कि रूम लेने का। 4-5 भाई आ गए थे हमारे पास तो हमने सोचा ले लेते हैं, फिर ये चार्ज इतना बता रहे थे 6-7 बंदों का, बहुत ज़्यादा तो वो अफोर्डेबल नहीं था हमारे लिए अभी। तो अभी हम फिलहाल थोड़ा ऋषिकेश घूमने जा रहे हैं, हमने बैग यहाँ रख दिए एक कॉर्नर में, एक छोटा सा बैग ले लिया क्योंकि वहाँ पे नहाएंगे थोड़ा ना, मज़े करेंगे, वाटरफॉल वगैरह अगर कुछ मिलता तो देखते हैं। बाकी चलते हैं, अभी कुछ खाना भी है, भूख भी लग रही है। बाकी जो साथ अभी भाई आए थे हमारे पास, ये मेरा अच्छा, अभी जो भाई आए थे वो चले गए क्योंकि वो परेशान कर रहे थे होटल वाले, एक डेढ़ घंटा हो गया था उन्हें। 12 बजे का टाइम था, 1:30 बजे चेकआउट करा। हाँ हमारा 12 बजे का टाइम था, देख लो 1:30 बजे करा है। ये फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहे थे भैया एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट कोई नहीं अभी इनको भी बिल पे करना चाय वगैरह का, तो चलते हैं करते हैं फिर कुछ खाएंगे भी। अभी हम लोग ना बाहर गए भाई, इतना ट्रैफिक है। हमने जाना था अभी गोवा बीच है यहाँ पे ऋषिकेश में, वहाँ पे जाना था तो भाई बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे, रास्ता बंद कर रखा है, एक तो जाने नहीं दे रहे, तो फिर अब मुड़ के आ गए, मन नहीं कर रहा है यहाँ पे भी अब ऋषिकेश रुकने का। तो अभी जो सारे दोस्त वगैरह आए थे तो वो वहाँ पे हैं अभी, हरिद्वार रास्ते पे हरिद्वार जा रहे हैं वो, तो वो वहीं होटल वगैरह लेंगे, कह रहे सोए नहीं वो भी काफ़ी, मतलब 1-2 दिन से तो सोए नहीं वो भी, तो देखते हैं उनके पास चलते हैं पहले अपने ही होटल में वापसी आ गए बैग बुक लेने। अब यहाँ से कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं हरिद्वार के लिए। तो हमारे परांठे आ चुके हैं, विक्की भाई हो जाओ शुरू, आपने तो रात को भी ढंग से रोटी नहीं खाई। इसको देखो गाइस क्या समझे हम इसका, देखो इतनी गर्मी में इतनी सड़ी धूप में ये पहनने पड़ रहे हैं ताकि ये हाथों पर टैनिंग ना हो जाए। बाकी सामान लगा दिया हमने, बस निकल ही रहे हैं यहाँ से हरिद्वार के लिए। बोले भोजन चल रहा है, अरे खाओ खा के आए। चलो हर की पौड़ी चल रहे हैं, हर की पौड़ी चलते हैं। अरे वहीं पे रेलवे स्टेशन है ना, वहीं पे पार्किंग है उससे पहले। हाँ वहीं, अरे मिल जाती है, मैंने पिछली बार लगाई थी यार। रोड से ही जाना पड़ेगा, वहीं चल लो, यहाँ की साइड बेकार है यार, साइड पे ना पार्किंग वाला पंचर कर रहा सबकी बाइक है। चले क्या बोलेगी, लो तीनों गाड़ियां लगा रहे हैं पार्किंग में, पर्ची कट गई है। ये हमारे साथ अभिषेक भाई, रवि भाई, वो भाई, बाकी दो भाई के नाम नहीं पता। इसलिए हमने यहाँ पे बाइक लगाई है, इधर दिख रही होगी शायद, तो ये देखो पार्किंग चेक करो। अभी फिलहाल ये तो हरिद्वार की पार्किंग नहीं है, हरिद्वार से काफ़ी पहले है, यहाँ से भी यहाँ भी घाट है एक, तो यहीं पे जा रहे हैं अभी सारे लड़के जो भी साथ के हैं, तो अभी वो बाहर वेट कर रहे हैं, चलते हैं अभी गाड़ी लगाई है। मेरे को तो लग रहा है निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से थोड़ी देर में। अभी ये भाई नहा रहे हैं, अभिषेक भाई नहा रहे हो, नहीं नहीं नीचे नहीं दिखा रहा, आप भी नहा रहे हो, चलो ये भाई भी, आप भी नहा रहे हो भाई, नहीं मैं नहीं नहा रहा भाई अभी, मैं तो हर की पौड़ी जाके ही नहाऊंगा जो यहाँ से थोड़ी दूर है बस, कोई नहीं पैदल पैदल चले जाएंगे, हर की पौड़ी थोड़ी दूर है वहीं चल के नहा लेंगे। पर ये भाई कह रहे हैं कि रुकना है आज, मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए निकलना ही बेस्ट है यहाँ से। यार ये सब चले गए नहाने, बस हम दोनों ही जाएंगे यहाँ पे विक्की और मैं, सामान का ध्यान रखने के लिए, बाकी हम आगे जाके ही नहाएंगे। वैसे यहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब कम है,
उधर ना बहुत ज्यादा गहरा है, तो ये बीच बीच में जाके नहा रहे हैं इसलिए। वहाँ ये मैं पक्का कह रहा हूँ ये पोल भी पार नहीं कर पाए। मेरे हाथ पे टैनिंग देखना, ये देखो, ये देखो टैनिंग देखो हाथ पे। अभिषेक भाई के फैन मिल गए यहाँ पे। मैंने तो कैंसिल कर दिया, आज नहीं स्नान कर रहे हम, कल करेंगे जब एक ही बार जल भरेंगे तभी। अभिषेक भाई कुछ बनवाना अपनी लवर के लिए भाई, हैशटैग सिंगल। शादीशुदा लोग हैं। ट्रिप मारेंगे ना, ये उक्का जरूर याद रहेगा। देखो फिर इसका काम ये भाई ने किया, ये भाई ने भाई आपने पाइप पाइप इसको उन्हें फेंक दिया। ये भाई सोने के लिए बैठा हुआ है, बिछाओ भाई चद्दर बिछा लो नीचे। गाइस यहाँ पे ना रूम इतनी मुश्किल मिल रहा है हमें, तो सात रूम मतलब सात बंदे एक ही बेड पे लेटे हुए, मतलब चार तो लेटे हैं, अब दो इधर बैठे हैं, एक मैं हूँ। अब कोई उठेगा तो हम सोएंगे, यही होगा। ओ भाई कितना 7,000 रुपये का लिया हमने रूम, है ना, देख लो इतना सा रूम है ये 7,000 रुपये का लिया हमने यहाँ पे हरिद्वार में। बस सीजन के टाइम में मत आना, बट आओ कावड़ कुवड़ में तो आओ, कोई नहीं 7,000 क्या है, बोले के लिए सब कुछ है। डाल डाल कॉइन डाल। लिटरली मेरा 4 किलो वजन कम हो गया, 4 किलो। और अभी हम चाय और बंद वगैरह खा के आ गए हैं, टाइम हो रहा है 9:30 और रूम में अभी सब सो रहे हैं, हम बाहर घूम रहे हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पे और शोर भी इतना है कि मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा, तो कल ही हो पाएगा। कल सुबह 12 बजे का चेकआउट है, तो 12 बजे तक चेकआउट करके देन हम हरिद्वार मतलब हर की पौड़ी जाएंगे, वहाँ से जल वगैरह भरेंगे, पूजा करेंगे, फिर निकल जाएंगे अपना दिल्ली के लिए। बट धूप होएगी काफ़ी यार, काले हो जाएंगे कल ही कल में। जितना हमने सोचा ना अपनी केयर करिए कि हाँ हम दिन में ट्रैवल नहीं करेंगे, रात में करेंगे, रात में करेंगे, कल मिट्टी हो सकता है सब, है ना भाई। वो तो केदारनाथ से दिन में इसलिए आगे क्योंकि वहाँ तो ठंडा मौसम था इसलिए। और हाँ हमें अभी अभी पता लगा कि आज वहाँ पे ना रास्ता मतलब बंद कर दिया है, तो अब किसी को जाने नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो हम सही टाइम पे आगे, देख लो किस्मत हमारी। बाबा ने बुलाया था, वो भी आए, दर्शन भी अच्छे हुए, बाबा ने दर्शन भी दे दिए, सब कुछ हो गया, मजा आ गया। शो चल रहा है सपना चौधरी का, बढ़िया है। कितने की है? 120 एक ब्लॉगर भाई मिले हैं यहाँ पे, भाई का फोन भी दिखा रहे हैं, भाई की मजा आ रहा है भाई बड़ा। भाई ये देखो एक नंबर लाइव कर रहे हो वैसे आप। 11 iPhone 11 भाई साथ में पकड़ पकड़ के लाइव कर रहे हैं, भाई आओ आओ, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। भाई से यूट्यूब के बारे में बातचीत चल रही है बहुत ज्यादा। मैं भी आ गया गंगा मैया में डुबकी लगाने, बट विक्की मेरे को फोर्स कर रहा है कि इस पुल से छलांग लगा, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी विक्की की है, जिम्मेदारी विक्की की है। नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको पकड़ लेना, बाकी अगर मुझे कुछ हो गया तो लोग कौन डालेगा। ठीक है भाई, लगा रहे हैं डुबकी, जो जिम्मेदारी आती है चलो ऊपर चलो। कपड़े तो उतार लूं, ओके यही नहाएंगे। मैं ना होटल के बाहर बैठा हुआ हूँ मार्केट में, और सब मुझसे आगे पूछ रहे हैं कि रूम है बोले, रूम है बोले, सब होटल वाला समझ रहे हैं मुझे। लिटरली अभी मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं नीचे बैठा हुआ था ठीक है आराम से बाइक पे, तो ना एक बंदा आया साथ में खड़ा हुआ मेरे, 2 मिनट मेरे को ऐसे घूरी जाए ऐसे करके ना पिक्चर क्लिक कर ली उसे, पहले पिक्चर क्लिक कर रहा मेरे साथ ऐसे, भाई कुछ बोला भी नहीं, मैं पहले फोटो में देख रहा, मैंने कहा वीरी क्यों कर रहा है, फिर मैंने ऐसे वो पिक्चर क्लिक करके सीधा निकल गया, मैंने कहा ये क्या सीन था भाई। और बाकी यहाँ बड़ा परेशान हो गया मैं नीचे बैठ के, थोड़ी देर नीचे क्या बैठ गया भाई। अब मैं नहाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं स्नान करके आया हूँ गंगा में, तो नहा लेता हूँ, मिट्टी मिट्टी हो रखा शरीर। बाकी अभी बैठूंगा नीचे।
रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी मेरे साथ के बंदे जो थे हम 5 लोग और वो नीचे शॉपिंग वगैरह करने गए हैं, तो विक्की भाई तो हिलते नहीं रूम से, आपको पता ही है। तो मैं अकेला नीचे बैठा था, मैं बोर हो रहा था रूम में, तो हम नहाते हैं फिर 12:30 बजे। ये मार्केट तो पूरी रात खुली रहेगी इस टाइम, तो ये 24 घंटे खुली रहेगी, 26 तक 24/7 है सब कुछ। तो फिर मैं अभी ऊपर आ गया, हम नहा के फिर कुछ खाने जाएंगे, ठीक है विक्की भाई? 12:30 तक चलेंगे आराम से, फिर एक दूध का गिलास या फिर वो पियेंगे रबड़ी, है ना, बादाम मिल्क या कुछ भी। तो चलो फिर नहाते हैं, ठीक है? ठीक है, मज़ेदार लग रहे हैं बोले। प्रसाद ले लिया अभी हमने थोड़ा, हरिद्वार से भी होटल के बाहर आ गए हैं। अरे हमने अभी जो राजमा चावल लिए थे ना, एक ही प्लेट लिए थे, एक प्लेट भी हमसे खाई नहीं गई, इतने हैवी हो गए थे वो। और हमारा दूध की बोतल पीने का मन था, सॉरी बादाम शेक, तो वो क्यों हंस रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं इसलिए हंस रहा है। मुझे